नमस्कार, मैं अभिषेक रावत। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क। उत्तराखंड से बड़ी खबर। उत्तराखंड में गुलदार के आतंक से पौड़ी में मचा हाहाकार। महिलाओं ने खोला मोर्चा, जाम कर दिया हाईवे। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में पिछले दिनों हुए गुलदार के हमले के बाद महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया। बुधवार को यहाँ महिलाओं ने पौड़ी हाईवे पर जाम लगा दिया। बता दें कि विगत 23 सितम्बर को यहाँ गुलदार ने एक महिला पर हमला कर उसे घायल कर दिया था, जिससे गुस्साई महिलाओं ने बुधवार पर हाईवे पर जाम लगा दिया। जाम से यहां हाईवे पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। हंगामा बढ़ते देख वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस दौरान अधिकारियों ने एक घंटे में गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद महिलाओं ने जाम खोल दिया। जानकारी के मुताबिक 23 सितंबर को श्रीनगर में गंगा दर्शन बैंड के पास गुलदार ने एक महिला पर हमला कर उसे घायल कर दिया था। उस दिन उफल्डा निवासी भारत बिष्ट की पत्नी सुधा देवी अन्य महिलाओं के साथ सुबह गंगा दर्शन बैंड क्षेत्र में घास काटने गई थी। तभी पूर्व लगभग 11:30 बजे झाड़ियों में छिपे गुलदार ने अचानक उन पर हमला कर दिया। महिलाओं की चीख सुनकर लोग दौड़े तो गुलदार भाग गया। हमले में महिला जख्मी हो गई थी, जिसके बाद घायल महिला को उप जिला अस्पताल ले जाया गया था। अस्पताल के सर्जन डॉक्टर लोकेश सलूजा ने बताया था कि महिला के पैर पर घाव हो गए हैं। हालांकि महिला की स्थिति सामान्य थी। इससे पहले 10 सितंबर की शाम को भी गंगा दर्शन बैंड से करीब 4 किलोमीटर दूर गुलदार ने स्कूटी सवार पर हमला करने की कोशिश की थी। बता दें कि उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में आए दिन गुलदार के हमले करने के मामले सामने आते हैं। कईयों की इसमें जान चली जाती है और कई गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही अपडेटेड और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए देखते रहें राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।